नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यवान गांव दरियापुर कला से। अब ये प्याज हमने जो खेत से या अपने शेड के नीचे डाल दिया था, इसकी ग्रेडिंग करते हुए, इसकी छटाई करते हुए, इसमें हमने तीन क्वालिटी बनाई है। एक तो ये जो मोटा अलग और ये मीडियम अलग और गोली अलग। गोली तो इसमें खैर निकलती नहीं, एकाद है। तो इस तरह से जो हमारा प्याज यहीं पे सारा बिक जाता है, और कुछ प्याज हम स्टॉक भी जरूर करते हैं, क्योंकि दिवाली तक हम प्याज रखते हैं। हमारे पास ग्राहक बहुत है, दिल्ली में बैठे हैं, तो मार्केट की तो यहाँ कोई कमी नहीं। और इसकी जब ग्रेडिंग अच्छे से कर लेंगे, एक तो खेत अच्छे से जो है ना, बहुत बढ़िया प्याज। अब देखना आप इसका साइज, इसकी साइनिंग, इसका जो है ना, बहुत ही बढ़िया है। और अब इसकी ग्रेडिंग होने से, इसकी और ज्यादा जो है सफाई होने से, इसकी मतलब जो है क्वालिटी बढ़ जाती है। और इस क्वालिटी बढ़ने से ये अब हम 30 रुपए किलो हमारा ऑर्गेनिक प्याज खेत पे ही बिक जाता है, और जो मीडियम है उसको हम 25 रुपए किलो, और गोली हमारी कुछ जो बड़े होटल हैं वहां पे हमारी बात हो चुकी है, वो यहीं से उठा ले जाते हैं, और इसको सिरका भी हमारे से ही लेके जाते हैं वो। तो इस तरह से जो है अब इसको हम कुछ टाटी में डाल के और स्टॉक करेंगे। दिवाली तक हम अपने फार्म पे प्याज रखते हैं, जिससे कि हमारा ग्राहक कोई हमारे फार्म से वापिस ना जाए। ये हमने प्याज को स्टॉक करने के लिए एक बांस की जो है टाटी का प्रबंध कर रहे हैं। इसमें हमने नीचे जो है बांस को गाड़ करके और नीचे ईंट बिछा करके, ईंट इसलिए बिछाते हैं नीचे, कई किसान भाई नीचे ईंट नहीं बिछाते, इससे नीचे एक तो पानी बारिश का होगा वो निकल जाएगा, उसके साथ साथ जो है इसमें एयर भी, हवा भी नीचे से पास होती रहेगी। और इसकी चौड़ाई हम 2.5 फीट रखते हैं, इससे कम एक आध इंच हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा चौड़ाई होने से प्याज जो है ज्यादा खराब होता है। और इसमें हमने जो है एक ये यंत्र है, इसको हम बर्मा बोलते हैं, इससे जो है हमने होल करके और इन बांसों को जो है लगाया है, इससे आसानी से जो है होल हो जाते हैं। और प्याज जो है एक जगह हम खेत से लेके आएंगे, और वहीं पे हम आगे अपने फार्म पे जो है इसको ग्रेडिंग करके, इसमें कोई दुफाड़ा कोई वैसा ना है। बीच में देखो इसमें हमने एक सपोर्ट दी है, ये सपोर्ट ही इस टाटी को रोकेंगी, और ऊपर से हम इसके सिरकी लगा देंगे, डबल सिरकी लगा के उसके ऊपर टाट की हम पल्ली कस देंगे, जिससे गर्मी भी ज्यादा ना हो और बारिश का पानी भी ना आए। ये प्याज आप देख रहे हैं, अब यहां से हम ग्रेडिंग करके तब उसके अंदर जो है इस प्याज को लेके जाएंगे टाटी के अंदर। और इस तरह से किसान जो है स्टॉक करके अपनी मार्केट बना के अच्छे पैसे कमा सकता है।